आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब ये हमारा आमले का पौधा और इसको लगाए हुए अब ये तीसरा साल है और अब इस पे ये देखें फ्रूटिंग हो गई है और हम आज फ्रूट उतार रहे हैं इसके। ये दिखाइएगी कौन से हैं, ये देखें इतने हेल्दी माशाल्लाह आमले और घर के बगैर किसी स्प्रे के माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हैं। तो ये हम इसको इसका अचार भी बनाएंगे और जो मुरब्बा है वो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें कितने ज़बरदस्त जो हैं वो इसमें इनकी फ्रूटिंग हुई हुई है। ये मैं क्लोज़अप में आपको दिखाता हूँ। तो हमारा जो लिटिल गार्डनर है वो भी अब ये आंवले उतारेगा इंशाल्लाह और वो हमारी गार्डनिंग एक्टिविटीज़ में भरपूर हमारा साथ देता है। तो इस पे पूरे पौधे पे काफ़ी सारे आंवले जो हैं वो इस साल लगे हैं। तो एक हमारे पास उस साइड पे भी वो आंवले का पौधा है लेकिन उस पे कोई नहीं लगा और इस पे ये तीसरे साल पे जाके बहुत अच्छे माशाल्लाह लग गए हैं काफ़ी ज़्यादा। और आंवला जो है वो सेहत के लिए विटामिन से भरपूर मिनरल से भरपूर एक फ्रूट है। इसमें फाइबर भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये हेयर्स के लिए हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और आंवले का शैम्पू जो है वो अक्सर आप मुख्तलिफ ब्रांड नेम पे देखते हैं उसमें वह आंवला होता है या नहीं होता इसका नहीं हमें पता लेकिन हमारे दरख्त पे ज़रूर होता है। इस पे काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। तो बहरहाल आंवले के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इसको घर में ज़रूर लगाना चाहिए। हम बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स तो घर में लगा देते हैं लेकिन हमारे जो मुकामी पौधे हैं जो हमारे साथ पले बड़े हैं और कई नस्लों से यहाँ हमारे खित्ते में इवाल्व हुए हैं हम उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जा रहे हैं। तो ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। हमें अपने मुकामी पौधों की हिफाजत करनी चाहिए, उनको महफूज रखना चाहिए और साथ में इनकी ग्रोथ जो है उसके लिए इकदाम करने चाहिए। हमें इनको भी अपने घर में सजावटी पौधों के साथ साथ लगाना चाहिए। अभी काफ़ी सारे इसके ऊपर हैं लेकिन हमारी जो बास्केट है वो माशाल्लाह फुल हो गई है तो इस वजह से हम इसको नेक्स्ट फिर किसी और दिन पे रखते हैं। बाकी क्लाउडी वेदर है, बारिश आने वाली है तो जो रह गए हैं ऊपर उनको फिर किसी दिन हार्वेस्ट करेंगे।